हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स का आपका अगस्त माह का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये मंथली टेस्ट है, मासिक टेस्ट जो आपका हो रहा है, और ये जो टेस्ट है आपका ओपन बुक हो रहा है, और आने वाले समय में जो भी अदर सब्जेक्ट के टेस्ट होंगे वो सब आपके स्कूल में ही होंगे, ठीक है। फिलहाल एक चीज़ और बता दूं कि अगर नोट के तौर पर कि अगर आप इस टेस्ट को कर रहे हैं तो सबसे पहले खुद से करने का प्रयास करें, क्योंकि जो टेस्ट होते हैं आपके बेटरमेंट के लिए होते हैं, तो आप इसे सबसे पहले प्रयास करिए। मेरी आपसे निवेदन है आपसे, ठीक है। तो इसके बाद ही कहीं और से सोल्यूशन ले, ठीक है, क्योंकि अगर आप पहले से कर लोगे तो आपको खुद की तैयारी का आंकड़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। फिलहाल आज के वीडियो में क्लास 10th का आपका मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे जो कि 20 मार्क्स का होता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा, इसे आप खुद से पहले सॉल्व करें, जब आ जाए इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताऊँ तो 4 आ जाएगा। अगला देखिए, ए वन अपॉन ए पी इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू का समीकरण निकाल क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। क्लियर, इन क्वेश्चन को आप पढ़ लें क्योंकि ये क्वेश्चन आपके मेन बोर्ड में आएंगे। देखिएगा, यदि द्विघात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य एक अल्फा प्लस अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसे आप खुद से करने का प्रयास करें प्लीज़, ठीक है। मुझे आइडिया नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, तब मैं पिन कर दूंगा, तो जो बच्चे इनको नहीं जानते तो उनको पता चल जाएगा। अगला देखिए, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का विकृतीकरण क्या होगा, इसका हो जाएगा डी बराबर बी स्क्वायर प्लस माइनस फोर एच, ठीक है। देखिए रिक्त स्थान, देखिएगा एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा, अपरिमेय संख्या होती है। फिर समीकरण एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो थ्री प्लस एक्स वाई माइनस ट्वेंटी बराबर जीरो द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद होता है, ठीक है। यदि द्विघात समीकरण एक स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, विकृतीकरण का शून्य, तो समीकरण का मूल्य क्या होगा, अल्फा और बीटा होगी, ठीक है। अगला देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन, संख्याओं सिक्स और बी ट्वेंटी के अभाज्य गुणनफल विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो एचसीएफ एलसीएम ये रहे आपके, स्क्रीनशॉट ले ली फटाफट, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः एक बटे चार और माइनस एक है, ये आपका सोल्यूशन रहा, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, आपके आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे, टेस्ट सॉल्यूशन होंगे, सबको प्रोवाइड करेंगे और तैयारी भी करवाएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें। फिर नेक्स्ट है, पांच पेंसिल तथा सात कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, तो सात पेंसिल और आठ कलमों का मूल्य ₹46 है, एक पेंसिल का कुल मूल्य तथा कुल मूल्य एक कलम का मूल्य बताएँ, ठीक है। तो ये आपके पास ये सोल्यूशन रहा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लें, ठीक है। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, समीकरण x माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री और x नॉट इक्वल टू जीरो है, तो मूल ज्ञात करना है, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन रहा, ठीक है। तो ये आपके सभी सॉल्यूशन रहे, अदर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट करें, और अभी तक अगर नहीं आया सॉल्यूशन तो आप चैनल को चैनल में एक बार जरूर जाके देखें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत।